वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्राफ्ट। आज व्लॉग नहीं कुछ नहीं, आज सिर्फ क्राफ्ट। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोबाइल स्टैंड कैसे बनाते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने कागज का टुकड़ा लिया है, इसकी साइज है 8x8 इंच। तो हमें पहले सिर्फ ये करना है कि इसको ऐसे बीच में से फोल्ड कर देना है और अच्छे से फोल्ड करना है, क्योंकि अगर वो लाइन अच्छे से नहीं बनी तो आपका पूरा मोबाइल स्टैंड खराब हो जाएगा। तो ये जो लाइन है इधर की, वो एकदम क्रिस्प और अच्छी तरीके से बननी चाहिए। तो मैं नाखून के प्रेशर से इसे दबा रहा हूँ। तो ये तो हो गया रेडी। अब हम करेंगे इसको फिर से हम। तो ये जो ऐसा है तो इधर भी हम फोल्ड करेंगे। तो फिर से नाखून के प्रेशर से हम इसे अच्छी तरीके से करेंगे। और इस साइड का तो हो चुका है, अब इस साइड का भी वैसे करेंगे। और ये बीच की लाइन उधर तक ही इसको फोल्ड करनी है। तो ये हो गया रेडी। अब ये दरवाजे जैसे आपको शेप दिखने को मिलेगी, तो इसको हम फ्लिप कर देंगे। और ये फ्लिप करने के बाद हम इधर भी एक फोल्ड करेंगे। एज यू कैन सी, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड होने के बाद हमें करना है इस कॉर्नर को यहाँ वाले कॉर्नर तक जोड़ना है, मतलब ऐसे। और ये भी अच्छी तरह से जोड़ना चाहिए। तो इस साइड का हो गया और इस साइड। तो अभी एक साइड का हो चुका है, अब दूसरे साइड का इसे फ्लिप करके दूसरे साइड का करेंगे। तो मैंने आपको पहले कहा है कि इसकी लाइन एकदम क्रिस्प होनी चाहिए और अच्छी, तो ही ये बन पाएगा, वरना नहीं। तो जो भी काफी वक्त लग रहा है, आप तो इसे मिनटों में बना देंगे। तो ये हो गया, अब इसको ओपन कर देंगे। तो आपको ये वी लाइन जैसा दिखेगा, वी जैसा। तो इधर आपको ये करना है कि इसको ऐसे मोड़ देना है। ये हो गया। फिर इसे ये जो बीच वाली लाइन है इसमें फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो इसे फोल्ड करने में काफी वक्त लगता है, ये होता नहीं है जल्दी से। अरे तो उल्टा हो गया। फोल्ड हो चुका है। तो ये फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो फिर ये जो ट्रायंगल का टॉप बॉटम है इसको हमें इधर तक फोल्ड करना है। तो ये भी काफी अच्छी तरीके से होना चाहिए।
इसे खोल दूंगी। तो इधर जो इधर आपको एक स्क्वायर देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये देखिए। तो वो जो हमने ट्रायंगल का बॉटम है उसको फोल्ड कर दिया था, पर वो बहुत ही फ्लैट था इसलिए अच्छे से नहीं आया। स्क्वायर तो हो चुका है, तो करना है कि इसके लाइंस अच्छी तरह से नहीं हुए जैसे कि पहले हुए। करना है कि वो जो स्क्वायर्स के लाइन है उसमें फिर से इसे फोल्ड करना होगा। तो ऐसे फोल्ड होने के बाद अभी इसके लाइंस बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुके हैं, तो ऐसे अंदर जा रहा है, तो हमें इसको फ्लिप करके फिर से वही करना है। तो इधर से भी हो गया है। अब करना ये है कि ये जो हो गए तो इसकी एक साइड से ओपन करेंगे हम, तो जो भी सेप है उसको फिर से फोल्ड करेंगे और ऐसे डाल देंगे। तो ये हो, तो ये ट्रायंगल जैसा दिखेगा। हम फिर से वही करेंगे दूसरे साइड के दूसरी। ये इस साल का निकले नहीं होगा, पूरा खराब हो जाएगा। बन चुका है। अब आपको मैं मोबाइल करके दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों साइड के मोबाइल को रख सकते हैं। अभी तक ये ठीक से बना नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये तो हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो हम इसको पॉकेट में भी रख सकते हैं। पहले आपको ये ऐसे करना है, जो स्टैंड है इनके दोनों कॉर्नर को बीच में लाना है और ये जो लाइन है उसमें से ऐसे फोल्ड करना है। तो आप ये कहीं भी रख सकते हैं, पर्स में मोबाइल के कवर में, या फिर अपने पॉकेट में, या फिर बुक्स में। तो ये थी आज का क्राफ्ट। तो बाय बाय।